दोस्तों ये अलीपुर का ब्लॉक बस स्टैंड है, तो आज हम दिखाएंगे आपको कि खाटू श्याम के लिए कैसे जाएं। खाटू श्याम दिल्ली धाम, तो खाटू श्याम जाने के लिए सबसे पहले अगर आप सेंट्रल दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको बस से या अपनी कार द्वारा अलीपुर तक आना होगा। अलीपुर आपको बाईपास से होते सीधी मिल जाएगा GT करनाल रोड से, आपको सीधा अलीपुर आना होगा और ब्लॉक से ब्लॉक पर उतरना होगा अगर आप बस से आ रहे हैं तो। ये है अलीपुर का ब्लॉक बस स्टैंड, यहाँ उतरना होगा। यहाँ से आपको 1.25 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, करनाल रोड की तरफ से आ रहे हैं, तो आप अलीपुर ब्लॉक से लेफ्ट साइड आप मुड़ सकते हैं, मुड़ जाएंगे खाटू श्याम जाने के लिए। उसके बाद यहाँ से 1.25 किलोमीटर पड़ता है। और अगर आप हरियाणा से आ रहे हैं तो आपको मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट आप खाटू श्याम आ सकते हैं, क्योंकि हाईवे आपको आउटर हाईवे जो बाहर बाहर निकालता है वो आपको डायरेक्ट खाटू श्याम ले जाएगा उसके गेट के पास। तो चलिए चलते हैं खाटू श्याम के लिए। तो ये खाटू श्याम जो राजस्थान में ओरिजिनल खाटू श्याम का मंदिर है, उसके बाद से वहाँ की मिट्टी से लाकर बनाया गया खाटू श्याम है। तो हम चल रहे हैं खाटू श्याम की तरफ। ब्लॉक से लगभग 1.25 किलोमीटर पड़ता है। दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको ब्लॉक से मुड़ना पड़ेगा खाटू श्याम जाने के लिए, अलीपुर ब्लॉक बस स्टैंड वहाँ से। और अगर आप हरियाणा से आ रहे हैं तो आप सीधा रिंग रोड से सीधा डायरेक्ट खाटू श्याम, बिल्कुल उसके मंदिर के गेट के पास ही रोड गुजरता है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम खाटू श्याम के लिए।